हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैं ओवन ख़रीद रही थी दिवाली सेल से। तो ये ओवन भाई फाइनली आ चुका है, अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ नज़र आ रही है, इसमें कुछ स्पेसिफिक पैकिंग नहीं है अमेज़ॉन से, ये पिजन का ही डब्बा है, बॉक्स है। तो इसको हम निकाल रहे हैं ओवन को बाहर इससे, पर ये भी पैकिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, मतलब अच्छे से डिलीवर भी किया है उन्होंने। थर्मोकोल्स वगैरह भी दिख रहे हैं अंदर, तो वन बाय वन इसको हम रिमूव करते हैं। पहले ये वाला थर्मोकोल हटाते, इसके अंदर शायद ये ओवन के साथ कुछ कुछ आया था, ट्रे और बेसिक टूल्स वो लग रहे हैं। इसको हम बाद में देखते हैं, ये मैं पहले साइड में रख दूँगी। फिर ये ओवन को हम निकाल लेंगे बॉक्स से। चलो भाई, ये ओवन को मैंने निकाल लिया है बॉक्स से, तो अभी इसकी पैकिंग रिमूव करके फिर देखते हैं हम क्या क्या है इसमें। अगर आप भी ओवन ख़रीदना चाहते हैं और कन्फ्यूज्ड है कि माइक्रोवेव ओवन ले या ओटीजी ओवन ले और उन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा आपके लिए सही है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर यहाँ पे जो आई वाला आइकॉन मिल रहा है, दिख रहा है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ये वीडियो। मीनवाइल हमने इसको खोल लिया है, तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या नॉब्स है, मतलब कंट्रोल्स क्या क्या है इसके। साइड से भी ये काफ़ी मतलब अच्छा ही दिख रहा है। ये जो फर्स्ट कंट्रोल है इसका, ये है टेम्परेचर कंट्रोल। इससे आप 100, 120, 150, 180, 200, इसके बीच में टेम्परेचर, शायद नीचे 250 भी है, उसके बीच में आप टेम्परेचर रख सकते हो। ये इन बिटवीन डॉट्स भी दिए हुए हैं, मतलब 110 या फिर 160, ऐसे भी कुछ आप रख सकते हो। और ये नॉब घुमा के इसे आवाज़ करता है, ताकि आपको पता चले कि हाँ सच में भाई घुमा है कुछ। तो ये है, ये हीटिंग रॉड का है कंट्रोल, ऊपर का है जो सिर्फ ऊपर के रॉड से हीट करेगा। ये राइट साइड का है जो सिर्फ नीचे के रॉड से हीट करेगा। ये दोनों रॉड्स के लिए नीचे वाला है। तो ये रॉड्स क्या होते हैं, कैसे हीट करते हैं, ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में समझ में आ जाएगा। और मैं अंदर दिखा भी दूँगी अभी ओवन के अंदर कि कहाँ है वो रॉड्स एक्चुअली। और ये नीचे का है, ये टाइमर का कंट्रोल है, इसमें आप 1 घंटे तक का टाइमिंग सेट कर सकते हो। ये अब नॉब, सुन रहे हो आप घड़ी की आवाज़ आ रही पीछे, ये नॉब अब जब भी ऑन करते हो ना तो पीछे टाइमिंग चलता है, और ये नॉब अपने आप 0 पे सेट हो जाएगा फिर। और 0 पे सेट हो जाएगा तो इस पर घंटी बजेगी बिल्कुल ऐसे। तो जब भी आप ओवन पे कुछ टाइम सेट करके कुछ कुक करने के लिए रख दोगे और वो टाइमिंग एंड हो जाएगा, तो ये वाली घंटी बजेगी, तो आप आके ओवन बंद कर सकते हो। अभी ओवन के अंदर वाला हिस्सा देखते हैं। तो इसके अंदर ये बारबेक्यू रैक दिख रहा है, इसको मैं अभी निकाल देती हूँ, इसको भी हम बाद में देखते हैं। और ये है वो रीहीटिंग रॉड्स जो मैं बता रही थी, ऐसे नीचे 2 हीटिंग रॉड्स है, वैसे ही ऊपर भी 2 हीटिंग रॉड्स है। जब भी ओवन ऑन होता है तो इसकी वजह से हीट पैदा होती है अंदर, और उसकी वजह से खाना गर्म होता है। इसको आप वो मिडल वाले बटन से कंट्रोल कर सकते हो। ये बारबेक्यू रैक है, या तो इस पे आप बाउल वगैरह भी रख सकते हो कुछ हीट करने के लिए। अभी देखते हैं बारबेक्यू होता क्या है, मतलब उसको कैसे बनाना है। तो ये ट्रे आया है और इसके साथ ही ये बारबेक्यू के स्क्यूअर्स आए हैं। इसमें आप ग्रिल करने वाले आइटम्स लगा सकते हो, जैसे कैप्सिकम हुआ, प्याज हुआ, पनीर, कुछ भी लगा सकते हो। और फिर ये ऐसे यहाँ पे रख देना है, वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली पोर्शंस बनाए हुए हैं 4 रॉड्स रखने के लिए।
वो ऐसे रख के फिर आप ओवन के अंदर रख सकते हो। तो यही मेन फीचर था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बाकी इसमें सिर्फ वो रैक ही दे रहे थे, ये रॉड्स तो इसके साथ मिल रहे थे, ये पैन हैंडल है और ये यूज़र मैनुअल है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है ओवन में, फिर इसको ग्रिल कैसे करना है, यूज़ करने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और इसमें आपको वारंटी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये है बेकिंग ट्रे जिसमें आप बिस्किट्स वगैरह कुछ बेक कर रहे हो तो बेक कर सकते हो। बेक करने रख दिया, फिर ये ट्रे अंदर रख दिया तो वो बेक हो जाएगा। बेकिंग पे ट्रे पे कुछ डस्ट लगा था, शायद मेरे घर का लगा हो, मुझे लगा कुछ डिफेक्टिव तो नहीं आ गया, सो सॉरी। तो ये हैंडल है जिसकी मदद से आप बेकिंग ट्रे बाहर निकाल सकते हो। ये बस ऐसे अटकाना है और निकालना है, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो तकरीबन ये सामान आया है अपने ओवन के साथ, OTG ओवन के साथ रादर। हाँ, ये बताना तो भूल ही गई, इसको आपको नॉर्मल ही सॉकेट में प्लग करना है, मतलब जिसमें आप टीवी लगाते हो या फ़ोन चार्ज पे लगाते हो उसी सॉकेट में इसको आपको लगाना है, इसके लिए पावर सॉकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा OTG अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का वीडियो। मैंने ओवन फर्स्ट टाइम ही ख़रीदा है और फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपको देखना है कि ओवन कैसे यूज़ करना है तो मेरे वीडियोज़ आने वाले वीडियोज़ देखते रहिए। और अगर आपको जानना है कि मैंने यही ओवन क्यों ख़रीदा तो मैंने पहले डाले हुए वीडियोस भी देख लेना। इस वीडियो में कुछ काम का लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।